सही, मैं अभी रामविलास जी से बात कर रही थी दो दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा नीतीश जी तो बने ही इसलिए हैं क्योंकि लालू और हम साथ नहीं थे। अब हम लोग साथ हो गए हैं तो देखिए हम कैसे उखाड़ के फेंकते हैं। ये सब भ्रम टूट जाएगा। लालू जी तो लालू जी हैं, पासवान जी कुछ ज्यादा ही भ्रम में जीतने वाले नेता हैं। हमको ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कहना, कोई विश्वसनीयता नहीं बची है समाज में। चाबी लेके घूम रहे थे ना 2005 में, कहां गया चाबी उनका? चाबी उनके पास रह गया और घर का ताला टूट गया, लोग निकल गए। देखिए लोगों को मूर्ख एक आध बार बनाया जा सकता है और सब लोगों को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। क्या बोलते थे, पैर के घाव का इलाज कर रहे हैं तो सिर के घाव का इलाज कर रहे हैं, तो लालू जी से कभी नहीं मिलेंगे, तो 16 से कम पर नहीं मानेंगे, फिर 12 पर मान करके चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई देखिए, दोनों हैं स्वार्थ परक अवसरवादी राजनीति के को अपनाने वाले नेता हैं। इनकी बात पर क्या ध्यान देना, अपना देखें। अब कह रहे हैं कि कौन के वो तो पूरा, पूरा लालू जी के खिलाफ बोल करके ये हमारे वोट में बिखराव लाते थे, बहुत लोग भ्रम के शिकार हो जाते थे। अभी अच्छा हुआ कि दोनों मिल गए, कोई भ्रम नहीं है और सबको मालूम है जितना जोर जोर से वो बोले। ये लोग क्या समझ रहे हैं आजकल, बोल रहे हैं काउ बेल्ट। क्या मतलब काउ बेल्ट का? 120 सीटों की बात कर रहे हैं कि हम लोग। क्या मतलब है काउ बेल्ट का? वही लोग बसते हैं यूपी बिहार में कि और लोग भी बसते हैं? ये जो जातिवादी सोच है लोगों का, इनको पता नहीं है कि कुछ देर के लिए तो जिस जाति में पैदा होते हैं उसमें कुछ उत्साह पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कर ही पाए, लेकिन बाकी लोगों के मन में क्या पैदा होता है? तो ये लोग तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिस ढंग की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस गठबंधन को यहाँ पे कितनी सीट आएंगी? अरे गठबंधन गठबंधन ही नहीं है, सीट कितनी आएगी? कोई भी सीट जीतने लायक संख्या उनको होगी तब न सीट मिलेगी। किस हालत में है लोग अपना देखें ना, कहा यहां कौन सा गठबंधन है इनका? उनका गठबंधन तो बिखर गया, असली जान तो कांग्रेस थी। कांग्रेस लालू जी के लिए कवच का काम कर रही थी 1997 से। अगर लालू जी को किसी ने बचाया है या बचाने का पाप किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब कांग्रेस पार्टी को भी पता चल गया। सोनिया जी और मनमोहन सिंह की तो अभी भी वो लोग गुणगान करते हैं। क्या करते हैं, सब अवसरवादी हैं, जब जैसा तब तैसा। अब इनके पास उतनी ताकत होगी तब ना, ये तो बार्गेनर है, ये लोग बार्गेन कर रहे हैं, अंदर में बार्गेन कर रहे हैं और आडवाणी जी की आलोचना करते हैं और कल्याण सिंह का साथ लेते हैं। वासा मैंने, आडवाणी जी गलत हैं, कल्याण सिंह सही है, अगर अयोध्या प्रकरण ही आप ले रहे हैं तो। देखिए इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं है, ये भयंकर समझौतावादी हैं, ये अवसरवादी हैं, भ्रम में जीते हैं और मुझे तो आजकल लग रहा है कि ये लोग हताशा में जी रहे हैं। आप अपने गठबंधन को कितनी सीट देख रहे हैं बिहार में? देखिए हम तो 400 सीट जीतना चाहते हैं, हम क्यों कितनी सीट देंगे? देगी जनता, हमारे काम को देखेगी। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, ये दो जो बलशाली दिल्ली में मंत्री थे, ये तो खाली रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, अवरोध पैदा कर रहे थे, निजी निवेशकों को आने नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हुआ, खुद आना चाहते थे, इतने ताकतवर थे, जिनके डर से आधी रात में कैबिनेट की मीटिंग हुई और एक चुनी हुई विधानसभा मिलने के पहले ही डिजॉल्व कर दी गई थी।